नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खीर। खीर बनाने के लिए 1 लीटर फुलक्रीम दूध अच्छा उबाल लेंगे। 1/4 कप चावल धोकर डाल देंगे। अच्छा चला चला कर पकाएंगे। इसको हम खुला ही पकाएंगे, ढकेंगे नहीं, और इसी तरह से बनने देंगे। जब हमारा चावल पक जाएगा, दूध अच्छा गाढ़ा हो जाएगा, तब हम इसमें 2 इलायची कूट कर डाल देंगे, थोड़ा केसर डाल देंगे, 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें और इसको अच्छा पकने देंगे। जब चावल अच्छा पक जाएगा, दूध हमारा बहुत ही अच्छा गाढ़ा हो जाएगा, तब हमारा खीर बनके रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी होगा, तो इसको आप बनाइए, खाइए। आज हम खीर बनाएंगे, तो ये खीर बहुत ही टेस्टी होगा। बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 1/2 कप के करीब चावल ले लेंगे। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसे अच्छा धोकर साफ कर लेंगे, थोड़ा पानी डालकर भिगो के रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब दूध को गर्म कर लेंगे एक बड़े बर्तन में। थोड़ा पानी डालकर 1 लीटर के करीब दूध गर्म कर लेंगे, अच्छा उबाल लेंगे। जब इसमें अच्छा उबाल आ जाएगा, तो हम भिगोए हुए चावल को पानी निकाल कर मिला देंगे। थोड़ा ड्राई फ्रूट्स काट लेंगे, थोड़ा किशमिश, बादाम, नारियल, छुहारे, इन सबको छोटे छोटे काट लेंगे पीसेस में। 4 इलायची कूट लेंगे। इन सब ड्राई फ्रूट्स को और इलायची को खीर में डाल देंगे। इसमें थोड़ा मलाई भी मिला देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। खीर को स्लो फ्लेम पर पकने देंगे, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। खीर हमारा स्लो फ्लेम पर अच्छा पकेगा। चावल जब अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, पककर रेडी हो जाएगा, दूध भी अच्छा गाढ़ा हो जाएगा, तब हम इसमें स्वाद अनुसार चीनी मिला देंगे। आपको जितना चीनी कम या ज्यादा चाहिए, मैंने 2 चम्मच डाला है, ज्यादा या कम आप डाल सकते हैं। खीर बनकर रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी होगा और हेल्दी भी होगा। तो आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स।